해야지. 그렇게 좋니? 왜네? 아니, 사람네 내 불절이야 아래 얘. 가서 필게라. 이 숨으로 내 불절이 खेलेगा. हेलो भाई लोग, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो डीवी रिव्यू। और आज मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की 7 ऐसी मूवीज जिनमें आपको एक्शन एडवेंचर गपा गप्पी देखने को मिलेगा, जिन्हें देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। और भाई लोग, कमाल की बात ये है कि ये सभी मूवीज आपको यूट्यूब पर फ्री में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। और मैंने इन सभी मूवीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो भाई लोग टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए भाई लोग, अब बिना किसी बकचोदी के और बिना किसी टाइम बर्बादी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं अपनी 7th मूवी पर। इस मूवी का नाम है जैक रायन शैडो रिक्रूट और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस जैक नाम के बंदे की। और भाई लोग, ये एक खुफिया एजेंट है और इस भोसड़ी वाले को एक मिशन दिया जाता है, लेकिन इसके एक चुतियापे की वजह से इसका मिशन एक्सपोज हो जाता है। और अब इस बंदे को कुछ लोग मारना चाहते हैं। आखिर इस बंदे का क्या मिशन है और इसे कौन मारना चाहता है, वो सब जानिए आप इस मूवी को देख कर। इस मूवी में आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ घपाघप भी। तो अब आते हैं 6th मूवी पर। इस मूवी का नाम है इन लाइक फ्लाइंग और ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2018 में। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस बंदे की। और ये बंदा एक एक्टर है और ये बंदा अपनी मूवी की शूटिंग करने के लिए जाता है जंगल में। और इसे जंगल के अंदर कुछ जंगली लोग मिलते हैं और वो जंगली लोग इसकी गांड के टुकड़े करके उन्हें भून कर खाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये बंदा अपनी जान और गांड कैसे बचाता है, वो सब जानिए आप इस मूवी को देख कर। इस मूवी में आपको खून खराबा भी देखने को मिलेगा, जिसे देखकर मजा ही आ जाएगा। तो अब आते हैं 5th मूवी पर। इस मूवी का नाम है कार्बन द बारबेरियन और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस बंदे की और इसके बचपन में इसकी आंखों के सामने कुछ लोग इसके मम्मी पापा को मार देते हैं। और अब ये बंदा बड़ा हो चुका है और अब ये उन्हीं लोगों से अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है। लेकिन भाई लोग, जिन लोगों से ये बदला लेना चाहता है उन बंदों के पास काफी बड़ी फौज है और वो फौज इस बंदे की गांड पे इतने छुरे मारेंगे कि ये ना तो चल पाएगा और ना ही हक पाएगा। लेकिन फिर भी ये बंदा अकेला उन लोगों से बदला लेना चाहता है, तो क्या ये बंदा अकेला उन लोगों से बदला ले पाएगा या नहीं, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। तो अब आते हैं 4th मूवी पर। इस मूवी का नाम है द थीप्स और ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2012 में। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इन चोरों के ग्रुप की और ये सभी चोर एक चोरी करना चाहते हैं। और जब ये चोरी करने जाते हैं तो इनकी जिंदगी के लोड़े लग जाते हैं, वो भी एक झाट बराबर गलती की वजह से। आखिर वो गलती क्या है और ये चोरी कर पाते हैं या नहीं, वो सब जानिए आप इस मूवी को देख कर। ये मूवी सस्पेंस और थ्रिल से भरी पड़ी है और ये मूवी आपको 1% भी बोर नहीं करेगी, 1% भी। तो अब आते हैं 3rd मूवी पर। इस मूवी का नाम है चाइनीज जोडियक और ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2012 में। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक म्यूजियम की और इस म्यूजियम के अंदर जानवरों की मूर्ति है जो कि बेहद ही कीमती हैं। और इन मूर्तियों को चुराने के लिए ये चोर आता है, लेकिन इस चोर के आने से पहले कोई और ही चोर इन सभी मूर्तियों को चुरा के ले जाता है। लेकिन इन सभी चोरी का इल्जाम इस चोर पे लग जाता है और अब कुछ लोग इस चोर को मारना चाहते हैं। तो ऐसे में ये चोर कैसे अपनी जान बचाता है और कैसे उस चोर को पकड़ता है, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। ये मूवी आप में से अधिकतर लोगों ने देख ली होगी और जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो भाई लोग देख लेना। तो अब आते हैं 2nd मूवी पर। इस मूवी का नाम है डम्ब एंड डम्बर 2 और ये मूवी पार्ट 2 है। तो भाई लोग, आपको पार्ट 1 देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पार्ट 2 भी देख सकते हो। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इन दो दोस्तों की जो कि दिमाग से क्या शकल से भी चूतिए हैं। और ये दोनों क्या क्या हरकतें करते हैं, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये मूवी आपको हंसाते हंसाते पागल कर देगी, क्योंकि इस मूवी में भर भर के कॉमेडी है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। और भाई लोग, मैं पर्सनली भी चाहूंगा कि आप इस मूवी को देखें, तो भाई लोग इस मूवी को तो फिर जरूरी देखना।
तो अब आते हैं फर्स्ट मूवी पर। इस मूवी का नाम है स्पाई और ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2015 में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस लड़की की जो कि कंप्यूटर की मदद से जासूसों की मदद करती है, लेकिन इस लड़की को एक मौका दिया जाता है कि ये भी जासूस बन के काम करे। लेकिन भाई लोग मूवी में ट्विस्ट ये है कि इस लड़की ने आज तक गांड पे बैठा मच्छर तो मारा नहीं है, तो ये इंसान को कैसे मारेगी। तो भाई लोग अब ये लड़की जासूस बन की है और अभी ये आगे क्या करती है वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। इस मूवी में आपको एक्शन, कॉमेडी, गपागप सब कुछ देखने को मिलेगा जिसे देखकर मजा ही आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये मूवी तुम्हें 101% पसंद आएगी, 101%। और भाई लोग अगर आपको अडल्ट मूवीज देखनी है जिनमें सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया गया है तो मैंने एक वीडियो में उन मूवीज के बारे में बताया है और मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो भाई लोग उस वीडियो को भी देख लेना। और भाई लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब। तो चलिए भाई लोग अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो।